और लोगों से भी बात करते हैं। खुर्जा विधानसभा से हैं, भाई है मेरे, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा क्या लग रहा है। आज बहन जी बहुत सारी घोषणाएं करके चली गई हैं और युवाओं के लिए तो जबरदस्त ऑफर भी दिए हैं, और जितने भी लोग अरेस्ट 2 अप्रैल के में हुए या उनको किसी भी मामले में फंसा दिया गया उनको भी बहाल करने की बहन जी ने पूर्ण भरोसा दिया है। बसपा आती है तो ये होगा काम। देखिए आज जो बहन जी ने बोला है वो बहन जी ने सर समाज की बात को मन से जांच के तब बोला है। यही समाज सुनना भी चाह रहा था, सर समाज यही सुनना चाह रहा था कि बहन जी ये बातें कहें। और सच यही है कि 2007 से 12 का जो शासन काल था, जो बहन जी ने कर दिखाया था, आज वो सर समाज के किसान, सर समाज का नौजवान और सर समाज का मजदूर आज उन बातों को सुनना चाहता था और वही बहन जी ने किया। विरोध जी मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि बहन जी का ग्राफ जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। हाँ। और लोग ये कह रहे थे, विरोधी लोग, कि बहन जी बाहर नहीं आ रही हैं, अब बैक टू बैक एक से एक रैली पे रैलियां आ रही हैं, अब उनके क्या होश घबड़े हो रहे हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ। देखिये जैसे आपने कहा ना ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ग्राफ इस वजह से बढ़ता जा रहा है, इस सरकार से सर समाज पीड़ित है, इस सरकार से सर समाज ठगा महसूस कर रहा है, इस सरकार से जो योजनाएं आनी चाहिए तो उनसे वंचित रहा। आज सर समाज अगर विकल्प के रूप में देख रहा है तो केवल बहुजन समाज पार्टी को देख रहा है और 2007 से 12 के शासन काल को देख रहा है, इस वजह से रोज ग्राफ बढ़ रहा है। और जिन्हें दिखाते थे कि ये जीत हार मतलब विपक्ष में आ रहे हैं वो तीसरे में जा रहे हैं। अगर आप खुर्जा विधानसभा से प्रत्याशी ना होते जी तो कहाँ होते? नहीं देखिए बहन जी का आदेश था खुर्जा के लिए तो मैं खुर्जा ही मिलता, और नहीं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता बूथ पे काम करता हुआ मिलता। यानी बीएसपी में ही रहते? नहीं वो तो थे ही बीएसपी में। जी जी तो बीएसपी को आप मानते हैं कि बीएसपी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत का उद्धार कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। बहन जी वो नेता है जो इस देश को बढ़िया और पूर्ण तरीके से चला सकती है, और आने वाला 2022 के बाद लक्ष्य वही होगा 24 वाला। आप जीत के आ रहे हैं, खुर्जा की कैसे काया पलटेंगे? नहीं बिल्कुल जीत के आ रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ किसान को भी सम्मान मिलेगा और जो हमारी गैया और बिजार जो रोज पिटरी है उन्हें भी सम्मान मिलेगा, और जो किसान आज वंचित है योजनाओं से, जैसा बहन जी ने आज कहा कि हम हर चीज पे सब्सिडी दे के, चाहे ट्रैक्टर हो चाहे टीलर हो, जो उपकरण है किसान के उन सब पे हम सब्सिडी दिया करते थे, 12 पे सब्सिडी दिया करते थे, वो सब चीज जब मिलने लगेंगी और किसान को उसकी फसल का सही मूल्य मिलने लगेगा तो किसान भी खुशहाल होगा, और जो आज गैया बिचारी पिट रही हैं उन गौशालों को बढ़िया जुर्णाधार करके, उनको बढ़िया बना करके, उन गैया और बिचारों का भी सम्मान बढ़ेगा। जी आप विरोध जी एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या सर्व समाज का आपको वोट मिल रहा है? सर समाज, समाज हो गया, ठाकुर समाज हो गया, बनिया समाज, कोई ऐसा समाज नहीं है जो इस बार वोट नहीं कर रहा जी। जो भाजपा से त्रस्त है वही बसपा से को वोट करना चाह रहा है, और विकल्प और विकल्प कोई है तो केवल बहुजन समाज पार्टी है, और है ही नहीं कोई। विनोद प्रधान विनोद प्रधान जी हैं जो कि खुर्जा विधानसभा से हैं, और वो यही कह रहे हैं कि अगर, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर भारत को बचाना है और उत्तर प्रदेश का उत्तम विकास कराना है तो बहन कुमारी मायावती जी को लाना है, और यही सभी युवाओं की भी मांग है, और जितने भी प्रत्याशी हैं वो 99% जो है वो बहन जी ने युवा खड़े किए हैं, और युवाओं की मांग है तो युवाओं की मांग तो पूरी होनी ही चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।